सुसाइड बॉम्बर के निशाने पर पीएम मोदी, आईएसआईएस ने बच्चों को दी ट्रेनिंग। रिपब्लिक डे पर आईएसआईएस पीएम को निशाना बनाने की फिराक में है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए आईएस 12 से 15 साल के बच्चे को बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के बाद एसपीजी समेत सभी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रिपब्लिक डे के मेहमान फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद आज चंडीगढ़ से अपने 3 दिवसीय इंडिया दौरे का आगाज करेंगे। उनकी अगवानी पीएम मोदी करेंगे। इससे पहले पुअर विजिबिलिटी की वजह से फ्रांस डेलीगेशन को ला रहा एक स्विस एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हो पाया था। 1945 में प्लेन क्रैश में हुई थी नेताजी की मौत, 1995 के कैबिनेट नोट में दावा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को ताइपे में विमान क्रैश में मृत्यु हो गई थी। नेताजी के रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर विवाद के बीच एक कैबिनेट नोट में 50 साल बाद ये जानकारी सार्वजनिक की गई है। अमित शाह दोबारा बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष, आज होगी ताजपोशी। बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज चुनाव होना है। हालांकि इस रेस में अमित शाह के अलावा और कोई मैदान में नहीं है, लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि शाह को ही फिर कमान सौंपी जाएगी। बुंदेलखंड दौरे पर राहुल ने खाई चूल्हे पर बनी रोटी सब्जी, बोले माफ करवाएंगे किसानों का कर्ज। बुंदेलखंड के महोबा के सूपा में राहुल गांधी अचानक गोकुल राजपूत नाम के एक शख्स के घर पहुंचे। वे यहां महिलाओं और बच्चों के साथ चारपाई पर बैठे। उन्होंने खुद महिलाओं से खाना बनाने को कहा। धोनी बोले, मेरे संन्यास की जानकारी के लिए PIL दायर करे। ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 वनडे मैचों की सीरीज पूरी होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने संन्यास लेने की खबर भी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को जानना है कि वे कब संन्यास ले रहे हैं तो इसके लिए जनहित याचिका दायर करें। प्रिंस नरुला बने बिग बॉस 9 के विनर, ऋषभ सिन्हा रहे रनर अप। मॉडल प्रिंस नरुला ने रियलिटी शो बिग बॉस का नवा सीजन जीत लिया है। प्रिंस को 35 लाख रुपए की प्राइज मनी दी गई। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।